So students, today we are going to discuss about the SI units of that is definition of basic and supplementary SI units. तो यहां से बच्चों हम लोग अपना डिस्कशन आज का स्टार्ट करेंगे, है ना. डेफिनेशंस वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है. जैसे लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कशन किए थे कि जो मतलब सेवन फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिनमें लेंथ का यूनिट मीटर होता है और मास का यूनिट किलोग्राम होता है, सेकंड का मतलब टाइम का यूनिट सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल. और उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स में प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन एंड जो मतलब सॉलिड एंगल होता है उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन. ओके, ये सब डिस्कशन हम लोग किए थे बच्चों. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ द बेसिक एसआई यूनिट्स. ओके, सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे द डेफिनेशन ऑफ मीटर. ओके, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर हम लोग किस चीज को कहते हैं, है ना, मीटर किसे कहा जाता है, ठीक है. अच्छा, तो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं बच्चों. वन मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ और द डिस्टेंस or length, okay, of the path traveled by light in vacuum or air, लिख सकते हो in vacuum or air in a time interval of वन बाई 299792458 दिस मच सेकेंड. ओके, तो इस देखो बच्चों, लाइट बहुत स्पीड में ट्रेवल करता है. एक सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ना 299792458 मीटर, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है एक सेकेंड में, ठीक है. तो बहुत ज्यादा स्पीड होता है बच्चों लाइट का, है ना, हम लोगों को पता है. हम लोग इसे नॉर्मली जब हम लोग फिजिक्स में पहले पढ़ते थे बच्चों, तो इसे हम लोग राउंड ऑफ करके लिखते हैं 3 × 10⁸, है ना. ओके, बट अभी हम लोग क्योंकि मीटर को डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यूज को लिखेंगे. ओके, राउंड ऑफ वैल्यू नहीं लिखेंगे. तो 29 लिख दिए क्या, दैट इज 792 होगा बच्चों, 792458 मीटर. ओके, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है एक सेकंड में. ओके, तो एक मीटर का डिस्टेंस वो कितने सेकंड में ट्रेवल करेगा, ना 1 सेकंड डिवाइडेड बाई दिस मच, दैट इज 2997924 58. ओके, तो इसी चीज को हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं 1 मीटर का. ओके, सो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द पाथ traveled by light in vacuum or air in a time interval of this much second. Okay, इतने देरी में, because एक सेकंड में तो इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेता है, तो एक मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, this much. Okay, तो 1 मीटर को हम लोग उसी तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है. दैट इज दिस मच मीटर वो ट्रेवल करता है एक सेकंड में, तो एक मीटर कितने सेकंड में ट्रेवल करेगा, वो यूनिटरी मेथड वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया बच्चों. जैसे सपोज कर लो 50 पेंसिल आता है, सपोज कर लो 10 रुपए में, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. तो एक पेन कितने में आएगा, दैट इज ₹10/50, है ना. तो यूनिटरी मेथड है, 50 पेन का 10 रुपए, तो एक पेन का कितना 10/50. उसी तरीके से इतना मीटर एक सेकंड में, तो एक मीटर कितने सेकंड में, दिस मच. ओके, तो एक मीटर क्या है बच्चों, ना लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने सेकंड में, उसी को एक मीटर कहते हैं, उसी को 1 मीटर हम लोग कहते हैं, ठीक है. तो 1 मीटर का डेफिनेशन होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा भारी भरकम डेफिनेशन नहीं है. ओके, दिस इज 1 मीटर. ओके, तो मीटर का डेफिनेशन हुआ बच्चों खत्म. अब आते हैं अपने दूसरे एसआई यूनिट की तरफ, दैट इज किलोग्राम. किलोग्राम क्या है उसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, किस तरीके से उसे डिफाइन किया जाता है. दैट इज द सेकंड यूनिट, बेसिक यूनिट, दैट इज किलोग्राम. किलोग्राम किसका यूनिट है बच्चों, मास का. एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, रिप्रेजेंटेड एज केजी, रिप्रेजेंटेड एज केजी. ओके, तो किलोग्राम को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों. ना इट इज द मास ऑफ ए सिलेंडर
ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम, प्लैटिनम एंड इरिडियम एलॉय, ओके, प्लैटिनम एंड इरिडियम एलॉय, ओके, प्रिजर्व्ड प्रिजर्व्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो, प्रिजर्व्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो, ओके, ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ओके, एट सेवरेस नियर पेरिस, ओके, एट सेवरेस नियर पेरिस, ओके. तो हम लोग देखो किलोग्राम को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. ना इट इज द मास ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है. तो एक्चुअली है क्या ना, देखो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ये एक डिपार्टमेंट है बच्चों, जो इन सारे चीजों का काम वही करता है ना. किसी यूनिट को डिफाइन करना हो या फिर किसी चीज को डिफाइन करना हो मास और मतलब मेजरमेंट से रिलेटेड, तो ये काम किसका है, दैट इज द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये काम उनका ही है, ठीक है. तो उनका एक हेड ऑफिस है, कहाँ है, एक जगह जिसका नाम सेवरेस है, और वो जगह है कहाँ, पेरिस में, ठीक है. तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वो है कहाँ, एक जगह सिटी मतलब बोल सकते हो, एक जगह है सेवरेस में, और वो कहाँ पर है, पेरिस के पास, पेरिस के पास. तो ये एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में है ना एक सिलेंडर है बच्चों, ठीक है. उस डिपार्टमेंट में एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है कुछ इस तरीके का सपोज कर लो, ओके. उस सिलेंडर का डायमीटर जितना है उसका लेंथ भी उतना ही है. सपोज लेंथ एल और डायमीटर डी, तो लेंथ विल बी इक्वल टू डायमीटर, लेंथ विल बी इक्वल टू डायमीटर, ठीक है. तो ऐसा एक सिलेंड्रिकल मतलब प्रोटोटाइप बना किससे है, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय से, यानी कि प्लैटिनम और इरिडियम ये दोनों मेटल है, इन दोनों का एलॉय बनाया, एलॉय से ये बना है, ठीक है. और वो जो वेट वहां पर, वो जो ब्लॉक है ना उस डिपार्टमेंट में रखा हुआ, उसी को 1 kg कहा जाता है, उसी को 1 kg कहा जाता है, ठीक है. और फिर उससे मतलब उसका डुप्लीकेट बना करके अलग अलग कंट्रीज में हम लोग दे देते हैं, है ना, उसका डुप्लीकेट बना करके अलग अलग कंट्रीज में हम लोग सप्लाई कर देते हैं, जहां पर, जहां से वो लोग फिर मतलब यूज कर सकते हैं अपने देश में, ठीक है. तो ये किलोग्राम है बच्चों, किलोग्राम को इसी तरीके से डिफाइन किया गया है ना, एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का सिलेंडर है ना, जो कि प्रिजर्व कहां किया गया, कहां पर रखा गया है उसे, ना इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवरेस नियर पेरिस, ठीक है. तो वो जो ब्लॉक वहां पर प्रेजेंट है, वो जो सिलेंडर वहां पर प्रेजेंट है, उसी को 1 kg कहा जाता है. अब उसका डबल कर दोगे तो 2 kg, उसका ट्रिपल कर दोगे तो 3 kg, उसका 4 गुना कर दोगे 4 kg, उसका 5 गुना कर दोगे तो 5 kg, उसका आधा कर दोगे तो 1/2 kg, उससे फिर आधा कर दोगे तो 250 ग्राम, ऐसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. बेसिकली किलोग्राम को डिफाइन कर दिया गया है, किलोग्राम एक ब्लॉक है सिलेंडर का, ठीक है, जिसका डायमीटर उसके लेंथ के बराबर है ना, और रखा कहां गया है, एट सेवरेस नियर पेरिस, ओके, इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ओके. तो इस तरीके, ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेकेंड, है ना, सेकेंड का क्या डेफिनेशन है, ठीक है. दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, ओके. तो ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों ना, वन सेकेंड इज द ड्यूरेशन, इज द ड्यूरेशन ऑफ 919 crores, ओके, 26 lakh 31,770 periods of the radiation, of the radiation, okay, corresponding to what, corresponding to the transition between two hyperfine levels, okay, of the ground state of cesium 133 atom, ठीक है. अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं बच्चों, इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, 1 second इज द ड्यूरेशन ऑफ 919 crores 26,31,770 periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atoms, ठीक है. तो इसमें देखो हम लोग इस तरीके से उसे समझेंगे के ये पहले नोट कर लो, 1 second का डेफिनेशन ये है,
अब उसके बाद देखो, ठीक है? हाँ ठीक है, डेफिनेशन नोट करने के बाद देखो बच्चों, सीजियम का जो एटम होता है, ठीक है, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सपोज कर लो, अंदर में एक बना लेते हैं सपोज ये 6, ठीक है। तो सीजियम के पास बच्चों 6 ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 6 ऑर्बिट्स। और उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, जिसे हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, उसमें बच्चों एक इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो उस एक इलेक्ट्रॉन से ही हमें मतलब है, सपोज कर लो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो उनका नेचुरल एनर्जी होता है ना, नेचुरल एनर्जी होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, है ना। मतलब नेचर की तरफ से उस इलेक्ट्रॉन को जितना भी एनर्जी मिला है, अगर उतना ही एनर्जी उसके पास है, तो हम बोलेंगे वो अपने ग्राउंड स्टेट में है। वो कौन से स्टेट में है, ना, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अगर उसे ज्यादा एनर्जी मिल गया, तो सपोज कर लो हमारे पास एक सीजियम, ये कौन सा एटम है, सीजियम 133 एटम, 133 इज द मास, ओके, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर देखो बच्चों, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लो वो अपने ग्राउंड स्टेट में है, कौन से स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट। अब सपोज कर लो इसे बाहर से कहीं से एनर्जी मिल गया, सपोज हीट के आकार में या फिर साउंड के आकार में, कहीं से भी एनर्जी मिल गया, ठीक है। तो जब एनर्जी मिलेगा, देखो सपोज कर लो हम लोग यहां पर एनर्जी का डायग्राम बना रहे हैं, एनर्जी लेवल का, सपोज कर लो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट के अलग अलग लेवल्स होते हैं बच्चों, एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो जैसे ही सीजियम 133 एटम को बाहर से एनर्जी मिलेगा, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, है ना। एक्साइटेड स्टेट सपोज कर लो, एक्साइटेड स्टेट में सपोज कर लो वो चला गया, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है, चाहे ये एक लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ठीक है। तो सपोज कर लो इन दोनों लेवल्स के बीच में वो वाइब्रेट किया, या फिर इन दोनों लेवल्स के बीच में, ठीक है। ऐसा लेवल का कोई यहां पर कंडीशन नहीं है, कोई भी दो हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में वो वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, वो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी ज्यादा हो गया, इसीलिए वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया और जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा, ठीक है। तो उसे 919 करोड़, ओके, 26 लाख एंड 31,770 वाइब्रेशंस करने में, ठीक है, करने में, ठीक है, इतने वाइब्रेशंस को परफॉर्म करने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज 1 सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड, ओके, दैट इज व्हाट, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं बच्चों, कि सीजियम एटम का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसे जब एनर्जी मिलता है, वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और वाइब्रेट करने लगता है, और उसे इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, उसी को हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 1 सेकेंड। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड, ओके बच्चों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, है ना, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, ओके। एम्पियर को देखो बच्चों हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एम्पियर दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, है ना। तो एम्पियर को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं ना, 1 एम्पियर, इट इज दैट कॉन्स्टेंट करंट, 1 एम्पियर इज दैट कॉन्स्टेंट करंट, is that constant current, okay, if maintained in two straight parallel in two straight parallel conductors of infinite length, okay, 1 ampere is that constant current which if maintained in two straight parallel conductors of infinite length and negligible cross-sectional area and negligible cross-sectional area, okay, placed 1 meter apart, okay, would produce would
प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ टू इंटू 10^-7 न्यूटन पर मीटर लेंथ, ओके पर मीटर लेंथ, ओके ओके। तो 1 एम्पियर वो कांस्टेंट करंट है बच्चों, जिसे अगर दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में मेंटेन किया जाएगा, जिनका लेंथ इनफाइनाइट हो और जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो नेग्लिजिबल हो, और उन दोनों वायर्स को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाएगा, तो उनके बीच में फोर्स कितना डेवलप होगा ना, 2 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर। ओके तो इसका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन को पहले नोट कर लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो पॉज करके नोट कर सकते हो। अब देखो वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि जैसे सपोज कर लो हमारे पास इन्फाइनाइटली लॉन्ग है ना, इन्फाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, दो वायर्स हैं, ओके इन्फाइनाइटली लॉन्ग दो वायर्स है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी, ऊपर में भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, ठीक है, जिनका एरिया यानी कि उनका थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर का थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है, उन्हें 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, दूरी कितना है 1 मीटर, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो कराते हैं बच्चों, ठीक है, जब करंट फ्लो होगा तो हम लोगों को पता है कि जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है बच्चों, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे क्लास 10th में, क्लास 10th में पढ़े होंगे, दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या होगा ना, ये कंडक्टर इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स डालेगा, है ना, दिस कंडक्टर विल एग्जर्ट ए फोर्स अपॉन दिस कंडक्टर, एज वेल एज दिस कंडक्टर विल ऑल्सो एग्जर्ट ए फोर्स अपॉन दिस कंडक्टर। तो जब फोर्स 2 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर हो जाए, है ना, पर मीटर में अगर आप देखोगे तो फोर्स इतना होना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है ना, जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर। फिर से देखो, हम लोग दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लिए है ना, कंडक्टर ले लिए, दोनों को पैरेलली रख दिए, है ना, उनका थिकनेस कैसा है ना, नेग्लिजिबल है, यानी कि उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है, बहुत ही पतले पतले वायर्स लिए गए हैं, उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, अब उनमें करंट फ्लो कराया गया, करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये कंडक्टर इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करने लगेगा और ये भी इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करने लगेगा, तो आप करंट को चेंज करते रहो, फोर्स भी चेंज होता रहेगा, जब फोर्स इतना हो जाए तब आप समझ जाना कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ना, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ना, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग एम्पियर को डिफाइन करते हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज केल्विन, नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज केल्विन, केल्विन किसका एसआई यूनिट है बच्चों, ना केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ओके अच्छा, तो डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है ना, 1 केल्विन, 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां पर कुछ कुछ मतलब क्या बोलते हैं टर्म आया है नया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ओके, और एक आया है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, है ना, ये दो नए टर्म है, इन दोनों को पहले समझते हैं। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है बच्चों वो टेम्परेचर जिसमें मोशन सीज कर जाता है, है ना, हम लोगों को पता है कोई भी सब्सटेंस हो उसके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, मोशन में होते हैं, है ना, सॉलिड है तो वाइब्रेट कर रहे होंगे, लिक्विड है तो वाइब्रेट भी कर रहे होंगे, लीनियर मोशन भी होगा, कर्विलीनियर भी होगा, रोटेटरी भी होगा, है ना, तो इस तरीके से मोशन में होता है हमेशा मॉलिक्यूल। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है ना, वो टेम्परेचर जिसमें मोशन लगभग सीज कर जाता है या फिर सीज कर जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं 0 केल्विन, 0 केल्विन, और 0 केल्विन बराबर होता है किसके बच्चों ना, 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 273.15 माइनस 273 सॉरी
-273.15 डिग्री सेल्सियस. ओके, यानी कि जिस टेम्परेचर पर मोशन सीज होता है उसे केल्विन में हम लोग कहते हैं 0 केल्विन, और जब हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर किए बच्चों तो पाया गया वो कितना आ रहा है, -273.15 डिग्री सेल्सियस. अच्छा अच्छा उसके बाद देखो वाटर के साथ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर, एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, जिसमें खास करके टेम्परेचर जिसमें वाटर तीनों स्टेट में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस. ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस. ठीक है, इसे हम लोग समझते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा. ठीक है, अच्छा तो यहां देखो बच्चों, सपोज कर लो हम एक आइस क्यूब लेते हैं. ठीक है, सपोज कर लो हम एक आइस क्यूब लेते हैं, टेम्परेचर सपोज कर लो 0 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस विच इज नथिंग बट 273.15 केल्विन. ठीक है, अच्छा अब 0 डिग्री सेल्सियस में आइस तो आइस बन करके ही रहेगा, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस जो है वो आइस बन करके ही रहेगा. बट अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ डेसिमल के बाद दो पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लो हम टेम्परेचर बढ़ा दिए 0.01 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम बढ़ा दिए. ठीक है, समझ में आ रहा है, 0.01 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम बढ़ा दिए. ओके, तो बच्चों क्या होगा ना, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी इसे बोलते हैं, है ना, मेल्टिंग पॉइंट. ओके, बट अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों, 0.01 डिग्री सेल्सियस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होगा, वो मेल्ट तो होगा ही, साथ में वेपर्स भी फॉर्मेशन होने लगेंगे, है ना, बिकॉज आपको पता है मतलब जो हमारा वेपर फॉर्मेशन होता है या फिर जो इवापोरेशन होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो भी टेम्परेचर है उसमें इवापोरेशन होगा, है ना, इवापोरेशन यानी कि वेपर फॉर्मेशन होंगे. ठीक है, अच्छा तो हम लोग बोले कि हम लोग इस आइस का टेम्परेचर कर देते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो जैसे ही हम 0.01 डिग्री सेल्सियस करेंगे बच्चों, ये आइस जो कि सॉलिड स्टेट में है ना, वो मेल्ट होकर के क्या बनेगा, लिक्विड भी बनेगा, और वो सॉलिड इवापोरेट होकर के क्या बनेगा, गैस भी बनेगा, वेपर भी बनेगा, गैस भी बनेगा और वेपर भी बोल सकते हो, है ना. तो 0.01 डिग्री सेल्सियस में बच्चों क्या हो रहा है ना, वो आइस मेल्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक सॉलिड भी है और मेल्ट होकर के लिक्विड भी उससे बन रहा है, और इवापोरेशन भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यानी कि गैस और वेपर भी बन रहे हैं. ठीक है, तो दिस टेम्परेचर इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट, दिस टेम्परेचर इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट. और इसका वैल्यू केल्विन में कितना है बच्चों, 0.01 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू केल्विन में कितना है ना, 273.16 केल्विन. ओके, 273.16 केल्विन. ओके, तो 1 केल्विन कितना हो जाएगा. ओके, 1 केल्विन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लोग क्या करते हैं ना, 1/273.16 पार्ट ले लेते हैं. ठीक है, ट्रिपल पॉइंट का. ओके, तो हम लोगों को पता चल गया कि ट्रिपल पॉइंट कितना है ना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 273.16 केल्विन. तो 1 केल्विन कितना होगा ना, 1/273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट, पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 1 केल्विन को बच्चों डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों केल्विन का डेफिनेशन. उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज डेफिनेशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज कैंडेला. कैंडेला को डिफाइन करेंगे. ओके, कैंडेला. ठीक है, कैंडेला. अब कैंडेला डिफाइन करने से पहले बच्चों आपको स्टीरेडियन क्या होता है उसका नॉलेज होना चाहिए, है ना, स्टीरेडियन, है ना. जैसे सपोज कर लो एक स्पीयर है, ठीक है, सर्कल नहीं, एक स्पीयर है, स्पीयर के सेंटर से लेकर के सपोज यहाँ सरफेस तक हम आते हैं, और यहाँ पर जो सरफेस एरिया हम लोगों को मिला, ये एक स्पीयर है बच्चों, है ना, तो यहाँ पर हमें एक सरफेस एरिया मिलेगा. ठीक है, ओके, यहाँ पर कितना मिलेगा, सरफेस एरिया. अगर ये सरफेस एरिया, स्पीयर का सरफेस एरिया हम चूज किए, इट इज 1 मीटर स्क्वायर, और ये जो रेडियस है, ठीक है, ये जो रेडियस है सपोज कर लो ये भी 1 मीटर है. ठीक है, तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हम लोग एक स्पीयर चूज किए और उसमें दो लाइंस इस तरीके से बनाए, ठीक है, 2 या 3 लाइंस बनाए, और हम लोगों को एक सरफेस मिला.
वो सरफेस का एरिया कितना होना चाहिए ना, 1 मीटर स्क्वायर, और जो रेडियस आप चूज किए हो वो कितना होना चाहिए, रेडियस का स्क्वायर कितना होना चाहिए ना, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एंगल यहाँ पर क्रिएट होगा, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे किससे, ओमेगा से, है ना। प्लेन एंगल को डिनोट करते हैं किसमें, जनरली रेडियन में हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज थीटा, है ना। और स्टीरेडियन यानी कि सॉलिड एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं ना, ओमेगा से। तो यहां पर ओमेगा इन स्टीरेडियन, ओमेगा इन स्टीरेडियन कैसे निकालेंगे ना, इट विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ओमेगा दैट इज सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। सॉलिड एंगल निकालने का क्या क्या तरीका है बच्चों, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर कर दोगे, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अगर सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, रेडियस 1 मीटर, सॉरी सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और रेडियस भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 1 स्टीरेडियन, कितना हो जाएगा, 1 स्टीरेडियन, ओके। अच्छा, अब उसके बाद देखो हम लोग कैंडेला के डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। कैंडेला, कैंडेला को कैसे डिफाइन किया जाता है बच्चों, जैसे सपोज कर लो हम लोग एक स्पीयर ले लिए, ठीक है, उसके सेंटर पर एक बल्ब लगाते हैं, ठीक है, उसके सेंटर पर एक बल्ब लगाते हैं। इस बल्ब से जो लाइट निकल रहा है, सपोज उस लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना है ना, 5.4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वही 1 स्टीरेडियन का हम लोगों को एंगल चूज करना है, एंगल कितना होना चाहिए, 1 स्टीरेडियन, ये एंगल कितना होना चाहिए, ओमेगा कितना होना चाहिए ना, 1 स्टीरेडियन, इतना सॉलिड एंगल में, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का लाइट जितना इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, है ना, लाइट यहां से निकल रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, 1 स्टीरेडियन के एंगल में जितना एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, जितना इंटेंसिटी होगा उस लाइट का, है ना, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना भी होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना, 5.4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज इन 1 स्टीरेडियन, इन 1 स्टीरेडियन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड 1 कैंडेला, इज कॉल्ड 1 कैंडेला, ठीक है। तो 1 कैंडेला का डेफिनेशन क्या है बच्चों, समझ में आ रहा है, 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट एमिट्स ए मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक मतलब ये जो लाइट है ये एक सिंगल कलर का होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर ऑफ लाइट, सिंगल कलर ऑफ लाइट, ओके। सो 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट एमिट्स ए मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, ओके। अच्छा, और अगर इंटेंसिटी इसी एंगल पे अगर आप मतलब पावर के टर्म्स में देखोगे तो पावर कितना होना चाहिए, 1/683 वाट, 1/683 वाट, ओके। तो उसे भी हम लोग 1 कैंडेला कह सकते हैं, उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 कैंडेला, ठीक है। दैट इज 1/683 वाट का अगर एनर्जी प्रेजेंट है कितने एंगल में ना, 1 स्टीरेडियन एंगल में, तो भी उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 कैंडेला। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं, सपोज कर लो कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज इन 1 स्टीरेडियन इज कॉल्ड कैंडेला, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है वो चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है। दैट इज 1 कैंडेला, 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके, इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन, ओके, इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स, ऑफ ए सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक, दैट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, ओके, एंड दैट हैज ए रेडिएंट इंटेंसिटी ऑफ
कितना, ना 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। पर स्टेरेडियन ओके। तो वन कैंडला को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट एमिट्स अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.4 इनटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज एंड दैट हैज अ रेडिएंट इंटेंसिटी ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। ठीक है ओके। तो फिर से देखो, सपोज कर लो एक स्पीयर है, यहाँ पर हम लोगों ने एक बल्ब लगाया, ठीक है, और वन स्टेरेडियन का एंगल चूज किया, ठीक है, ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ वन स्टेरेडियन, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो कितना है ना, वन स्टेरेडियन। ओके अच्छा, जब ओमेगा वन स्टेरेडियन होगा, यहाँ पर एक बल्ब लगा होगा, और ये बल्ब, ठीक है, जो मोनोक्रोमैटिक लाइट का होगा, ठीक है, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज का वो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो जितना भी एनर्जी होगा इस डायरेक्शन में, है ना, जितना भी एनर्जी होगा इस वन ओमेगा वाले स्टीरेडियन सॉलिड एंगल के अंदर, ठीक है, जितना भी एनर्जी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन कैंडेला, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन कैंडेला। तो ये हो गया बच्चों कैंडेला का डेफिनेशन। ओके उसके बाद आते हैं, दैट इज मोल। मोल क्या है वो डिफाइन करेंगे। मोल किसका यूनिट है बच्चों, दैट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके तो क्या है वन मोल, ना वन मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ओके विच कंटेन्स अज मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स और पार्टिकल्स बोलो ओके अज देर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है तो वन मोल क्या हो सकता है, जैसे सपोज हम बोलेंगे बच्चों वन मोल ऑफ ऑक्साइड आयन, तो ये होगा कितना ना, वैल्यू कितना आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्साइड आयन्स। ठीक है अगर हम बोलेंगे वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके तो इस तरीके से वन मोल को बच्चों हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है इस तरीके से वन मोल को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है तो ये हो गया सेवन फंडामेंटल यूनिट्स और उनके डेफिनेशन। ठीक है अब उसके बाद रेडियन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते वक्त रेडियन क्या होता है, और स्टेरेडियन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किए थे। तो होपफुली जो बेसिक डेफिनेशंस हैं सप्लीमेंट्री, मतलब डेफिनेशंस ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स एसआई यूनिट्स, वो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।